बाहर के लोग आए, जो भी माहौल बिगड़ा हो बिगड़ा हो, अब हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। जो भी आप और मेरे भाई की काय गलती थी, वो बुलाए तो भाई माता मां ने अभी औणी से ना दिया वान वण यार बात है ना। हां मैं इसके लिए आया है, आप कभी आजाद बंद कर दिया, वोट बंद कर दिया, फिर फर्जी वोट दुआया तो नरेश भाई भी जिसु अटक बोली माय ना उठा ले माता तो वोट की हुआ। अब आपकी मांग मान ली जाएगी, शांति बनाए रखो, ज्यादा तो बाहर के लोगों को आने दो, उससे क्या माहौल खराब होता है। जो आपके गाँव के हम नहीं चाहते की जवान लड़के जो पढ़ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं ना, पढ़ाई दिखाई कर रहे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। देखिए लेकिन आप लोग शांति बनाए रखो, तो हमारे साथ साफ हुआ आपके उसके भी है मान कमरा मार मार कार चोरा को पता सारा कौन ले गया, कौन वहां से तोड़ गया, लेडीज कार टूट गया एक सारा ग्राम वो तो शायद बूंदी रेपर कर, एक तो बूंदी है बूंदी रेपर कर दी सारा थोड़ा बड़ा मर गया और खत्म कर दिया जी। पहले तो नैन वाले के गए एक आदमी को नहीं तोड़ देता कौन बक्सा की कॉल बाकी कुआं का ताला तोड़ भाई हां दूर जान ले आ तोड़ दिया भाई मगर ताला मत तोड़ के बोले पे एक रेते अंदर देखो अभी जो है आप लोग अपने आज हम नया आती आती आते ना कि पेट में बैठे कि मां मैं सुने खाना नहीं खाया चार दिन से मैं इतना मारा था मैं भी वहां मौजूद थी सारा दिन सेवा में हमला क्या छोटे बच्चे तक नहीं छोटे और सब कुछ रख दे सारा दिन सेवा करी पुलिस वाला की चाय पानी पाए वाना वहां की चाय पानी पिलाए पुलिस वाला की वो मेड मान जाना रोटियां खाने को आए भाई आपने अपन मकान पास में पड़ता ये साल देखा मेरा खून चल रहा कमरा चलो खड़ा हुआ कोई चिंता मत करो इन लोगों की भी मांग थी हम हमारे पास आई हमारे पास यही मांग है कि हमारी मोहम्मदगढ़ वाले आए हमने कर दिया उनका काम वो सड़िया वाले आए हमने कर दिया उनका काम आप लोग भी आए 30 अक्टूबर को आए ना पहली बार 30 अक्टूबर को आए आपका भी काम कर देते आचार संहिता के बीच में हम नहीं भेज सकते आचार संहिता के पास भेज देते तो बाहर के लोगों ने आके माहौल बिगाड़ा आपका तो काम ऐसे ही करते और बाकी आप जो समस्या बता रहे हो वैसे ही करते ना वही कह रही हूँ दूसरों का क्या आपका क्यों नहीं करेंगे ये गाँव का मैडम कोई खाए भी नहीं किया ग्रामीणों की ये शिकायत है ये चाह रहे थे कि इनका देवली से उमियारा मुख्यालय हो जाए इसी वजह से इन्होंने बहिष्कार किया था। मैं अभी भी कहती हूँ कि बहिष्कार करना इनका हक है परंतु उस समय 13 तारीख को स्थिति आक्रामक हो गई। यही मेरी इनसे अभी भी अपील रही है आगे भी अपील रहेगी कि आचार संहिता के बाद हम इनका आवेदन जरूर राज्य सरकार को भेजेंगे। दो और पंचायतें हैं उन्होंने आवेदन किया था हमें उसी समय हमने भेज दिया। आचार संहिता के दौरान चूंकि ये 30 अक्टूबर को पहली बार हमारे पास आए तो उस समय हम आवेदन नहीं भेज सकते थे लेकिन हम यही विश्वास इनको वापस दिलाते हैं कि आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो प्रक्रिया पूरी करके जो भी इनकी मांगे वो पूरी करेंगे। देखिए सभी लोगों के हम बयान वैसे ही ले रहे हैं अब स्थिति जब सामान्य हुई है तो एक एक चीज की समीक्षा की जाएगी जो भी बयान दिए जा रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारी रिपोर्ट आएगी सबकी बात सुनी जाएगी और जो भी फेर है वो करेंगे।